उत्तर प्रदेश के मऊ से अगली खबर है, जहां के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के वलीदपुर नगर पंचायत में सुबह सिलेंडर फटने से 3 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और अचानक हुए इस धमाके में पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। किसी को क्या मालूम था कि कोई अनहोनी होने वाली है। जैसे ही छोटू बढ़ई के घर धमाका हुआ, लोग बिस्तर छोड़कर आंख मलते हुए आवाज की ओर भागे। मकान के नीचे जैसे ही खड़े हुए कि विस्फोट से जर्जर मकान भरभराकर लोगों पर गिर पड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के वलीदपुर नगर पंचायत में सुबह तड़के सिलेंडर फटने से 3 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। अन्य लोगों ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि नाश्ता बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। विस्फोट से आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। मकान गिरते ही अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच किसी तरह मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। आला अधिकारियों के साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। लोगों को मलबे से निकाल निकाल कर अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अचानक हुए इस हादसे में पूरा परिवार तबाह हो गया। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में बचाव टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मौके पर SP, जिलाधिकारी समेत कई आला अधिकारी पहुंचे, जिनकी देखरेख में बचाव कार्य चलाया गया। हालांकि सिलेंडर ब्लास्ट कैसे हुआ, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, इसलिए मामले की जांच अभी जारी है। मैं देखा हूं तो एक आदमी पूजा करके जा रहे थे और मैंने देखा है तो मैं पूछा हूं उससे कि क्या मतलब इतनी काफी भीड़ कहाँ है, वो भी देखे हैं तो हम लोग थोड़ा बढ़े हैं अभी जी, हम लोग बढ़े हैं और जैसे ही बढ़े मतलब यहाँ ही आए थे तब तक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ है और तुरंत पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर गई है। उसके बाद एक आदमी भागते हुए जिसका बड़ा बहुत खून भर रहा था, मैं भागा हूँ और हॉस्पिटल ले गया हूँ। खैर उसका वो अभी कंट्रोल से बाहर, मतलब ठीक है, बच गई उनकी जान। इस हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। CM योगी ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है, साथ ही घायलों के इलाज की व्यवस्था कराने के तत्काल आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल सेवाएं मुहैया करवाने का निर्देश भी CM योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मऊ से जाहिद इमाम के साथ ज्योति ठाकुर की रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।